गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुमित गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, मणिपाल हॉस्पिटल, गाजियाबाद. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट कैचअप वैक्सीनेशन. सो व्हाट डज कैचअप वैक्सीनेशन मींस? लास्ट टू ईयर से हमने बहुत ही बुरा टाइम देखा है. पहले कोविड की फर्स्ट वेव, देन सेकेंड वेव, दैट वॉज वर्स्ट. अभी जनवरी में थर्ड वेव आई थी और अभी भी बच्चों में मल्टीपल वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस है. सो द टाइमली वैक्सीनेशन प्रोवाइड अस इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस इलनेसेस दैट इंक्लूड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, बट समटाइम ड्यू टू वेरियस रीजन वैक्सीनेशन इज नॉट पॉसिबल. So catch-up vaccination is an action of vaccinating an individual, those who have not received vaccination which they are eligible. This catch-up vaccination is in contrast with routine vaccination, and this is also called as delayed immunization or interrupted immunization. The purpose of this catch-up vaccination is to provide benefit of immunization with minimal side effects, and recommendation is only up to a certain age group. WHO has also taken an initiative and given a catch-up vaccination schedule with under the title of leave no one behind. Koi bhi piche nahi chhodna chahiye, and that could be possible through routine immunization programs and persistent intensification of routine immunization. Government of India bhi multiple time pe initiative leti hai. At present government ka mission Indradhanush chal raha hai, jo ki start hua tha 2014 mein, aur target tha 90% of the vaccine, 90% of the children should be vaccinated including routine vaccination एंड कैचअप वैक्सीनेशन बाई द एंड ऑफ 2022. ये मिशन इंद्रधनुष गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ताकि बच्चों में कोविड की वजह से जो डिले हुआ है उसको हम पूरा कर सकें. सो देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ डिलेड वैक्सीनेशन और कैचअप वैक्सीनेशन. प्रिंसिपल वन, डोजिंग इंटरवल कैन बी शॉर्टन और लॉन्गर. Suppose chicken pox vaccine, varicella vaccine, the normal schedule इसका होता है दो dose. First dose is given at 15 month और second dose दी जाती है 5 year पे. लेकिन बच्चा अगर 6 या 7 साल का हो चुका है तो हम इसको duration को कम कर देते हैं, 3 month apart दो dose लगाई जाती है. The second principle is as the children become older, less number of doses are required. सपोज न्यूमोकोकल वैक्सीन, नॉर्मल शेड्यूल न्यूमोकोकल वैक्सीन का है 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 3 डोजेस, और एक बूस्टर डोज दी जाती है 18 मंथ्स पे. लेकिन अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर क्रॉस कर गया है तो दो डोज लगेंगी और एक बूस्टर लगेगा 18 मंथ्स पे. अगर बच्चा 1 ईयर क्रॉस कर गया है तो एक डोज लगेगी और 12 मंथ्स के बाद उसकी बूस्टर डोज लगेगी. So the third principle is consider previous vaccine as a first vaccine if possible. Like suppose hepatitis A vaccine है, उसकी पहली dose दी जाती है 12 months पे और दूसरी dose दी जाती है पहली dose के 12 to 18 months पे. लेकिन अगर बच्चे ने पहली dose लगवाई है 12 months पे, 1 year पे, और उसके बाद 3 साल का gap हो गया है, तो हमें जो previous dose दी गई है उसको that would be considered as dose 1, और 3 साल के बाद जो डोज लगेगी वो सेकेंड डोज कहलाएगी और उसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा. फोर्थ प्रिंसिपल इज गिव मल्टीपल वैक्सीन एट ए टाइम इफ पॉसिबल. लाइक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती हैं वो एक डोज, दो डोज या एक साथ 3 डोज तक दी जा सकती है. जैसे कि बच्चा अगर आया 5 साल पे और उसको MMR भी नहीं लगा है, हेपेटाइटिस ए भी नहीं लगी है, चिकन पॉक्स भी नहीं लगी है, टाइफाइड भी नहीं लगी है, तो हम उसको दो वैक्सीन एट ए टाइम लगाएंगे और उसके 1 मंथ के बाद नेक्स्ट वैक्सीन शेड्यूल करेंगे.
फिफ्थ प्रिंसिपल इज टू कंसीडर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड एक्टिव लाइव वैक्सीन. सो दे आर सर्टेन काइंड ऑफ वैक्सीन, कुछ लाइव वैक्सीन होती हैं, कुछ किल्ड वैक्सीन होती हैं. जो किल्ड वैक्सीन होती हैं उनको हम दो एक साथ लगा सकते हैं, तीन एक साथ भी लगा सकते हैं. उनको मल्टीपल डोजिंग इंटरवल पर भी लगाया जा सकता है, जैसे कि पहली डोज अभी लगाई और दो हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगा सकते हैं. लेकिन इसके अपोजिट जो लाइव वैक्सीन होती हैं उनको या तो एक साथ दो लाइव वैक्सीन लगाई जा सकती हैं, दो से ज़्यादा लाइव वैक्सीन एक साथ नहीं लगा सकते, या फिर उनको वन मंथ के गैप पे ही लगाना चाहिए. लाइक सपोज MMR और चिकन पॉक्स वैक्सीन, बोथ आर लाइव वैक्सीन. तो 15 मंथ पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं ये वैक्सीन लगना है, हम एक वैक्सीन अभी लगवा लेते हैं, दूसरी वैक्सीन 2 वीक्स के बाद लगवा लेंगे. जो पीडियाट्रिशियन है वो आपको मना कर देते हैं कि या तो अभी आप दोनों डोज अभी लगवानी है या फिर 1 मंथ के बाद लगवानी है. तो जो दो लाइव वैक्सीन होती हैं वो या तो एट ए टाइम लगती हैं या 1 मंथ के गैप पे लगती हैं, 2 वीक्स के गैप पे नहीं लगाई जाती. देन फिफ्थ प्रिंसिपल इज देर आर सम कॉम्बिनेशन वैक्सीन जो कि लगनी चाहिए 15 साल से नीचे के बच्चों को केवल. कॉम्बिनेशन वैक्सीन हम 14 ईयर 15 ईयर से ऊपर के इंडिविजुअल्स को नहीं लगाते. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रीवैक्सीनेशन. सपोज हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, उसका जो नॉर्मल शेड्यूल होता है वो होता है 0, 1 and 6 मंथ. लेकिन अगर किसी बच्चे ने एक डोज लगी है या दो डोज लगी है, उसके बाद 5 साल का गैप हो गया, तीसरी डोज नहीं लगी है, तो वो दो डोज जो लग चुकी हैं उनको हम शेड्यूल में काउंट नहीं करेंगे. उसके लिए हमें एक बच्चे का टाइटर कराना होगा हेपेटाइटिस ए एंटीजन का, हेपेटाइटिस बी एंटीजन का. उसके बाद अगर वो टाइटर कम आते हैं तो रीवैक्सीनेशन रीशेड्यूल बनेगा, अगेन उसको 3 डोजेस दी जाएंगी 0, 1 and 6 मंथ. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नो कैचअप वैक्सीनेशन समटाइम्स. सपोज रोटा वायरस वैक्सीन है, उसकी जो डोजेज होती हैं वो होती हैं 6 वीक 10 वीक्स एंड 14 वीक्स. ये तीनों डोज कंप्लीट हो जानी चाहिए 8 मंथ्स तक. अगर बच्चा 8 मंथ से ऊपर हो गया है तो ये वाली डोज हम नहीं लगा सकते, रोटा वायरस वैक्सीन को स्किप करना पड़ेगा. सिमिलरली फर्स्ट डोज आपकी 14 वीक से पहले लग जानी चाहिए जब थर्ड डोज का टाइम आ रहा है. अगर पहली डोज 14 वीक तक नहीं लगी है तो फिर रोटा वायरस की वैक्सीन नहीं लगेगी. सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ कैचअप वैक्सीनेशन. वन टर्मिनोलॉजी इज डिलेड वैक्सीनेशन एंड इनवैलिड वैक्सीनेशन. तो इनवैलिड वैक्सीन उनको बोलते हैं जो टाइम शेड्यूल से पहले लगा दी जाती हैं. सपोज MMR की वैक्सीन 15 मंथ पे उसकी या 9 मंथ पे पहली डोज लगनी है, वो 7.5 मंथ पे लग गई तो वो डोज कंसिडर नहीं की जाएगी. आपको 9 मंथ पे उसकी जो डोज लगेगी वो ही पहली डोज कहलाएगी. कुछ डिलेड वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जो कि हमारी शेड्यूल अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें दोबारा से उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा. इसी तरीके से एक हेलो प्रिंसिपल है. हेलो मीन्स हेल्थ, एज, लाइफ स्टाइल एंड ऑक्यूपेशन, इस पे डिपेंडेंट कुछ वैक्सीन होती हैं. सो दिस इज नोन एज हेलो प्रिंसिपल. लाइक हेल्थ, अगर कोई बच्चा अस्थमेटिक है या बार बार वीजी ब्रोंकाइटिस हो रही है या बच्चे को बार बार कफ कोल्ड हो रहा है, तो उस केस में हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को कंसीडर करना पड़ेगा और उन्हीं बच्चों में चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी लगनी चाहिए. कुछ वैक्सीन होती हैं जो एज रिलेटेड होती हैं, जैसे सपोज एल्डरली पीपल जो होते हैं अबव द एज ऑफ 60 ईयर होते हैं, उनमें फ्लू की वैक्सीन जरूर लगनी चाहिए, ईयरली शॉट लगना चाहिए, और उनमें एक न्यूमोकोकल वैक्सीन भी लगनी चाहिए बियॉन्ड 60 ईयर्स ऑफ एज. और दूसरी एज रिलेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है HPV वैक्सीन, जो कि यंग फीमेल में लगती हैं, 9 ईयर टू 14 ईयर इसकी दो डोजेज हैं. अगर बियॉन्ड 14 ईयर्स हम लगाते हैं तो इनकी 3 डोजेज लगवानी पड़ती है. इसी तरह से कुछ वैक्सीन होती हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल रिलेटेड होती हैं. सपोज कुछ ट्रेवलर्स होते हैं जो बार बार ट्रेवल करते रहते हैं आउट ऑफ द कंट्री, तो उन पेशेंट्स में वो वैक्सीन लगनी चाहिए जो उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे ए सर्टेन डिजीज आर मोर प्रेवलेंट. लाइक कॉलरा इज मोर प्रेवलेंट इन अफ्रीका,
तो कोई भी अफ्रीका ट्रेवल कर रहा है उससे पहले कॉलरा की वैक्सीन लगवानी होगी, उसको शेड्यूल पूरा करना होगा और उसके 2-3 वीक्स के बाद ही वो वहां पे जा सकता है। अनदर वैक्सीन इज इन यूरोप, इन्फ्लुएंजा इज मोर कॉमन, सो वन एनी इंडिविजुअल हु इज गोइंग टू यूरोप देन वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन शेड्यूल शुड बी कंसिडर्ड। सिमिलरली चिकन पॉक्स सम एरिया में ज्यादा प्रिवलेंट है, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू एरिया वेयर एवर यू वॉन्ट टू ट्रेवल यू हैव टू फिनिश द वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू दैट एरिया। इसके अलावा कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें न्यूमोकोकल वैक्सीन लगना जरूरी होता है क्योंकि निमोनिया इज मोर कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम होती है। फोर्थ वन इज ऑक्यूपेशन, सम वैक्सीन आज ऑक्यूपेशन रिलेटेड लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स स्पेशली दोज आर वर्किंग विथ एनिमल, उनको रेबीज की वैक्सीन लगना जरूरी होता है। सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स जिनको कंसिडर करना चाहिए जिन बच्चों में कैचअप वैक्सीनेशन हम इनिशिएट कर रहे हैं। एक नॉर्मल रूटीन वैक्सीनेशन आप लोगों को पता ही होगा, हम जब भी आप जाते हैं एक वैक्सीनेशन कार्ड होता है इस तरह का, ये जैसे एक वैक्सीनेशन कार्ड है, इसमें एक वैक्सीनेशन शेड्यूल दिया हुआ है, इस वैक्सीनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ही सारी वैक्सीन लगती हैं। उसमें मेनली मैं सारी आपको बता चुका हूँ, ऑल टुगेदर इफ वी कंसीडर एज ए वैक्सीन ऑल टुगेदर, कुछ वैक्सीन जो बच जाती हैं उनमें से एक बीसीजी है। बीसीजी के बारे में बता दूं मैं कि बीसीजी का वैक्सीन डिलीवरी के विद इन 24 आवर्स लगना चाहिए, अगर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हो रही है तो बिफोर डिस्चार्ज बीसीजी वैक्सीनेशन शुड बी गिवन। इसकी मैक्सिमम एज 5 ईयर है, कुछ जगह 1 साल बताई जाती है, लेकिन अगर 1 साल से ऊपर के बच्चे को हम अप टू 5 ईयर अगर बीसीजी की वैक्सीन लगा रहे हैं तो एक ट्यूबरक्लिन टेस्ट पहले परफॉर्म करना चाहिए। अगर ट्यूबरक्लिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब बच्चा ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक्सपोज हो चुका है, उसमें बीसीजी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अगर ट्यूबरक्लिन टेस्ट इज नेगेटिव देन वी हैव टू कंसिडर बीसीजी वैक्सीनेशन बियॉन्ड 1 ईयर ऑफ एज। सम अनदर वैक्सीन आर पोलियो वैक्सीन, पोलियो देर आर टू काइंड ऑफ पोलियो वैक्सीन, वन इज इंजेक्टेबल पोलियो एंड सेकेंड इज ओरल पोलियो। अब गवर्नमेंट ने इंजेक्टेबल पोलियो को भी अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, जिसकी की डोज होती है 1.5 मंथ, सेकेंड डोज है 2.5 मंथ, थर्ड डोज है 3.5 मंथ और बूस्टर डोज लगाई जाती है उसकी 18 मंथ्स पे। अगर किसी बच्चे में इंजेक्टेबल पोलियो नहीं किसी तरह से छूट गया है तो कैचअप वैक्सीनेशन में इसमें एटलीस्ट 2 डोजेस विद द गैप ऑफ 2 मंथ्स दैट इज 8 वीक्स, इस गैप के बीच में 2 इंजेक्टेबल पोलियो की वैक्सीन जरूर देनी चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ पोलियो वैक्सीन। मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी 5 ईयर, 5 ईयर के बाद इंजेक्टेबल पोलियो की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड अनदर पोलियो वैक्सीन इज ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन अगर किसी एक बच्चे को इंजेक्टेबल पोलियो टाइमली दी जा रही है तो पोलियो ओरल पोलियो की 4 डोजेज होती हैं, फर्स्ट डोज इज गिवन एट बर्थ, सेकेंड डोज एट 6 मंथ, थर्ड डोज एट 9 मंथ एंड फोर्थ डोज बिफोर 5 ईयर्स ऑफ एज। इररेस्पेक्टिव ऑफ इंजेक्टेबल पोलियो ये 4 डोजेज ओरल पोलियो की दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट का चलता है वो साथ में चलेगा, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि हम तो बच्चे को अपने पीडियाट्रिशियन से पोलियो की ड्रॉप पिलवा रहे हैं तो जो पल्स पोलियो वाले घर पे आते हैं उनको पोलियो ड्रॉप की जरूरत बच्चे को पिलाने की नहीं है, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। जो इंडिया पल्स पोलियो फ्री हुआ है वो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की वजह से ही हुआ है, तो जब भी आपके घर पे पल्स पोलियो वाले आते हैं अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो आपको बच्चे को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलवानी है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रीवियस डोज बच्चे ने 4 वीक से पहले न लियो, 4 वीक्स के अंडर 4 वीक्स न लियो। इसके अलावा कुछ वैक्सीन जो छूट गई उनमें एक डीपीटी वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन की 3 डोजेज होती हैं, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, फर्स्ट बूस्टर लगाया जाता है 18 मंथ्स पे एंड सेकेंड बूस्टर इज गिवन एट 5 ईयर्स ऑफ एज। अगर डीपीटी की वैक्सीन छूट जाती है तो हमारी एटलीस्ट 3 डोजेज लगनी ही चाहिए, अगर बच्चा 2 साल का हो गया है तो भी 3 डोज लगनी चाहिए, 2 डोज एट द गैप ऑफ 1 मंथ एंड बूस्टर डोज आफ्टर 12 मंथ्स।
7 साल तक ये डीपीटी की वैक्सीन दी जा सकती है। अगर बच्चा 7 साल से बड़ा हो चुका है तो फिर डीपीटी की जगह डीटी वैक्सीन दी जाएगी। अनदर वैक्सीन इज हिप वैक्सीन, शेड्यूल इज सेम, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक, एंड फर्स्ट सिंगल बूस्टर इज गिवन एट द एज ऑफ 16 to 18 months। अगर बच्चा 15 महीने का हो चुका है, अभी तक हिप की एक भी वैक्सीन नहीं लगी है, तो उसकी सिंगल डोज सफिशेंट होती है, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है कि बच्चा कुछ एनवायरनमेंट से हिप के लिए एक्सपोज हो चुका होगा, कुछ नेचुरल इम्यूनिटी बच्चे को डेवलप हो चुकी होगी। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में मैं बता दूं, अगर बच्चा 8 साल से नीचे का है तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन 2 डोजेस इनिशियली लगेंगी विद ए गैप ऑफ 1 मंथ, उसके बाद ईयरली फ्लू का शॉट लगेगा। अगर बच्चा 8 ईयर से अबव है तो 2 डोज लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंगल ईयरली डोज सफिशियंट है। अनदर वैक्सीन इज हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन आर टू काइंड ऑफ वैक्सीन, वन इज किल्ड वैक्सीन, वन इज लाइव वैक्सीन। जो लाइव वैक्सीन होती है उसकी सिंगल डोज सफिशियंट होती है, और जो किल्ड वैक्सीन होती है उसकी 2 डोजेस लगवानी पड़ती हैं, जो कि 6 मंथ to 18 मंथ अपार्ट लगती है। अगर किसी वजह से ये डिले हो गया है तो पहली जो प्रीवियस डोज है उसको कंसीडर, दैट वुड बी कंसीडर एज फर्स्ट डोज, और उसके 5 साल बाद तक भी आप रीशेड्यूल करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके 5 साल के बाद भी सेकेंड डोज लग रही है तो वो प्रीवियस डोज फर्स्ट डोज ही कहलाएगी। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच आई हैव कवर्ड अबाउट कैचअप वैक्सीनेशन। आई होप आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पेरेंट्स के पास अबाउट द वैक्सीनेशन। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं तो मैं उनको देख लेता हूँ। अब राजीव शर्मा जी ने लिखा है, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन रूटीन खराब हो जाती है कभी कभार, कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, रूटीन वैक्सीनेशन के बारे में ही मैंने आपको बताया। आपने जो पूछा हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो हेपेटाइटिस बी की रीशेड्यूल करनी पड़ती है अगर आपका टाइमिंग ज्यादा हो चुका है तो। लेकिन रीशेड्यूल करने से पहले उसके टाइटर देखने होते हैं। सपोज आपने पहली दूसरी डोज लगवा ली, तीसरी डोज आप भूल गए, उसके 5 साल बाद अगर आप तीसरी डोज के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले टाइटर करवाने होंगे। अगर वो टाइटर कम होंगे तो वो रीशेड्यूल तीनों डोज लगेंगे आपकी। एक और सवाल है इनका, विच वैक्सीन आर चाइल्ड नीड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी? सो दिस इज अबाउट दी प्रेगनेंसी फॉर मदर। मदर में जो टेटनस की 2 वैक्सीन होती हैं वो तो लगती हैं, आपको गायनी वाले ज्यादा बेटर बताएंगे। अदरवाइज फ्लू की वैक्सीन मदर में लगती हैं, और उसके बाद जो बच्चे में आफ्टर डिलीवरी जो वैक्सीन लगती हैं वो सबसे पहले होती हैं हेपेटाइटिस बी, पोलियो, ओरल पोलियो ड्रॉप एंड बीसीजी, वो डिस्चार्ज से पहले लग जानी चाहिए। उसके बाद 6 वीक्स पर पहली डोज आती है डीपीटी, हिप, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस एंड निमोनिया वैक्सीन, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ती जाती है। वैक्सीन सेफ है, एक क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन सेफ है। डेफिनेटली वैक्सीन सेफ है। कुछ वैक्सीन होते हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। डीपीटी वैक्सीन से फीवर आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक पे जो वैक्सीन लगती है उनमें 2 तरह की वैक्सीन होती है, एक पेनलेस वैक्सीन जिसके बारे में आपने सुना होगा, एक नॉर्मल रूटीन वैक्सीन होती है। जो नॉर्मल पेन वाली वैक्सीन होती है उनको ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है एज ए प्राइमरी सीरीज। डीपीटी के बारे में मैंने आपको जो बताया था कि 5 डोज होती हैं, प्राइमरी सीरीज में 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, देन बूस्टर एट 18 मंथ्स एंड सेकेंड बूस्टर एट 5 ईयर्स ऑफ एज। तो प्राइमरी सीरीज की जो 3 वैक्सीन शुरुआत वाली होती हैं प्रेफरेबली वो पेन वाली लगनी चाहिए, और अगर आपके बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है तो आगे जो फर्स्ट बूस्टर है वो भी आप पेन वाला दिलवाइए, अदरवाइज पेनलेस के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पेनलेस काम नहीं करती। व्हाट आर द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ वैक्सीन? हर चीज का अपना अपना रिस्क है, अपना एक बेनिफिट है। डेफिनेटली कुछ वैक्सीन होती हैं जो कैटेगरी 1 में आती हैं, जिसमें आपकी डीपीटी, हिब, हेपेटाइटिस बी, अब गवर्नमेंट ने इंजेक्टेबल पोलियो भी इंक्लूड किया है उसमें, एमएमआर एंड मीजल्स, ये कैटेगरी 1 वैक्सीन होती हैं।
ये हर बच्चे को लगनी ही है। इन्हीं यही कुछ ऐसी वैक्सीन है जिनसे फीवर आता है। इसके बाद कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो दैट कम्स इन कैटेगरी टू, उनमें हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स और टाइफॉइड की वैक्सीन होती है। प्रेफरेबली ये भी लगनी चाहिए। इसके अलावा और जो वैक्सीन होती हैं वो कॉस्ट बेनिफिट और उसके अकॉर्डिंगली आप लगवा सकते हैं, अदरवाइज वो वाली छोड़ी जा सकती है। कैन वैक्सीन ओवरलोड माई बेबी इम्यून सिस्टम? डेफिनेटली नॉट। ओवरलोड नहीं होता, ये इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए होता है। इसमें प्राइमरीली जो वही वैक्सीन वही वायरस होते हैं जो वायरस से इफेक्ट होता है। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वायरस होते हैं जो कि बॉडी में जाते हैं और एक एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है और उससे उसको लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। डेफिनेटली ये बेनिफिशियल है। ओवरलोडिंग नहीं होती, जितना जरूरत होती है उतनी ही एंटीबॉडी बनती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू वैक्सीन स्टार्ट सो अर्ली? तो कुछ वैक्सीन होती हैं जिनका अपना एक टाइम शेड्यूल होता है। जो सबसे पहले अर्ली वैक्सीन लगती हैं वो होती हैं पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी। उसके बाद डीपीटी होती है जो प्राइमरी सीरीज में जो जल्दी आती है। जो देखा गया है जो डिप्थीरिया होता है वो छोटे बच्चों में ज्यादा कॉमन, पर्ट्यूसिस जिसमें लगातार खांसी होती है वो 3 महीने से छोटे बच्चे में ज्यादा कॉमन है, हेपेटाइटिस बी भी छोटे बच्चों में ज्यादा कॉमन है, ऑल्दो ये बाद में भी हो सकता है। तो इसकी शेड्यूलिंग की जाती है। ये एक WHO का बनाया हुआ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जिसमें ये देखा गया है कौन सी डिजीज किस एज ग्रुप में ज्यादा प्रेवलेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ये प्लान की जाती है। जैसे अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड है तो उसको मीजल्स, मम्स और रूबेला नहीं होगा जब तक कि बच्चा 9 मंथ और 10 मंथ का नहीं हो जाता। इस वजह से MMR की वैक्सीन थोड़ी लेट दी जाती है। हेपेटाइटिस ए 1 साल से नीचे के बच्चे को यूजली नहीं होता, इसलिए उसके 1 ईयर के बाद दी जाती है। चिकन पॉक्स की नेचुरल इम्यूनिटी होती है करीब करीब 15 to 18 months तक, इसलिए चिकन पॉक्स की वैक्सीन लेट दी जाती है। तो ये शेड्यूलिंग डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज कितनी जल्दी हो सकती है और उसको जल्दी कवर करने का क्या बेनिफिट है। सो वन क्वेश्चन इज, शुड आई डिले सम वैक्सीन्स और फॉलो ए नॉन स्टैंडर्ड शेड्यूल? कुछ वैक्सीन डेफिनेटली डिले की जा सकती हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि पहली डोज कब लगी है और दूसरी डोज कब लगी है। कुछ जो कैटेगरी 1 की वैक्सीन बताई है मैंने, उनमें डिले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं वापस से बता देता हूं, उसमें होती है DPT, हिप, पोलियो, रोटा वायरस, MMR एंड मीजल्स। जो बाकी ऑप्शनल वैक्सीन होती हैं उसमें थोड़ा बहुत डिले किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ वैक्सीन है जो आप अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं, जैसे मेनिंगोकोकल है, कॉस्टली वैक्सीन है, अगर आप नहीं लगवाना चाहते हैं तो उसे छोड़ सकते हैं। सो वन क्वेश्चन है, शुड माई चाइल्ड गेट शॉट्स इफ शी इज सिक? डेफिनेटली नॉट। एज पर रिकमेंडेशन माइल्ड फीवर में वैक्सीन लगाई जा सकती है, कफ कोल्ड में वैक्सीन लगाई जा सकती है, हाई ग्रेड फीवर में वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कोई भी वैक्सीन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि जब बच्चा बीमार है उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है तब आप बच्चे को वैक्सीन लगवाओ। सो माई सजेशन इज, इफ योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इवन माइल्ड फीवर और कफ कोल्ड, यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 1 वीक। तो वन क्वेश्चन इज, कैन आई वेट अंटिल माई चाइल्ड गोज टू स्कूल टू कैच अप ऑन इम्यूनाइजेशन? ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बच्चा, देखिए इन्फेक्शन तो कहीं से भी हो सकता है। ये वैक्सीन ऐसा नहीं है कि बच्चे कैचअप स्कूल से ही करेंगे। आपका जो प्राइमरी वैक्सीन होती है वो तो स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही लगाई जा रही है। तो वैक्सीन इज इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर चाइल्ड इज एक्सपोज, सम वैक्सीन वैक्सीन शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। सो आई थिंक आई हैव कवर अप ऑल दी योर क्वेश्चंस। सो दिस इज फॉर टुडे, कैचअप वैक्सीनेशन। थैंक यू।